हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग काकस क्रोकस सेटाइवस डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के लीडर्स नैस सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्रोकस सेटाइवा रीडिंग प्रॉब्लम में शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार की पेशियों का संकोचन तथा स्पंदन ब्लीडिंग इस औषधि से रोगी के शरीर में विभिन्न अंगों से काला लेसदार तथा थक्कों की शक्ल में रक्तस्राव होता है तथा जिन अंगों या द्वारों से यह रक्तस्राव होता है उनसे रक्त अधिकतर डोरी की तरह लटकता रहता है। स्ट्रिंजी डोरे की तरह से रक्त लटकता रहता है, कहीं से भी, वजाइना से, फोड़े से, चोट से, ब्लीडिंग जहाँ से भी हो रही हो वो डोरे की तरह से लटकता रहता है। ब्लीडिंग सिम्टम माइंड सिम्टम में रोगी की प्रकृति क्षण क्षण में बदलती रहती है। कभी वह हंसता है, कभी गाता है, कभी उछलता कूदता है, हर मनुष्य को प्यार करना चाहता है। क्रोकस सेटाइवा 30 या 200 देने से लाभ होता है, परंतु थोड़ी ही देर बाद उसका मूड बदल जाता है तथा वह रोने लगता है, उन्मत्त हो जाता है, गालियां बकने लगता है। रोगी को ऐसा भी एहसास होता है कि उसके आमाशय उदर और गर्भाशय के अंदर या छाती में कोई वस्तु उछल कूद रही मचा रही। ब्लीडिंग इस दवा की उपयोगिता 3 भिन्न रूपों में रहती है। प्रथम तो यह विभिन्न द्वारों से होने वाले रक्तस्राव से लाभ करती। इस रक्त स्राव के खून का रंग काला होता है, जमा जमा लटकता रहता तथा वह लेसदार होता है और थक्कों की शक्ल में निकलता है। क्लॉटेड ब्लड जैसे हेमामिलिस क्यू मेलिफोलियम में तो बहुत ज़्यादा खून निकलता है। मेलिफोलियम 30 या 200 चाइना 30 या 200 जहाँ से भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कैलेंडुला क्यू चोट लगने पे देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है तथा वह लेसदार होता है और थक्कों की शक्ल में निकलता है। जहाँ से वह निकलता है वह रक्त की लंबी डोरियाँ जैसी लटका करती, चाहे किसी भी अंग जरायु फेफड़ा नाक पाकाशय इत्यादि से हो रहा हो। किंतु यदि रक्तस्राव का रूप क्रोकस सेटाइवा 30 या 200 से मिलता है तो इस औषधि का प्रयोग करने में विलंब नहीं करना चाहिए। नाक से जब रक्तस्राव के दौरान रक्त बर्फ को बर्फ की बूंदों की तरह लटके तब मर्कसाल 200 या 1000 नंबर का प्रयोग करना होना चाहिए। दूसरे, इसका उपयोग ऐसे हिस्टीरिया रोग में भी होता है जिसमें मानसिक लक्षण बहुत बदलते रहते हैं, जैसे पल्साटिला में सिम्टम बदलता रहता है। इग्निशिया 200 में, हायोसामस में बहुत एरोगेंट हो जाता है पेशेंट, जेनाइटल खोल देता है, अपना जननांग खोल देता है, गाली बकता है, झगड़ा करता है, ऑफेंसिव मोड में रहता है। रोगिणी
ऐसे हिस्टीरिया रोग में भी होता है इसका उपयोग, जिसमें मानसिक लक्षण बहुत बदलते रहते हैं। माइंड सिम्टम में रोगिणी अदल बदल कर उदास और प्रसन्न दिखती, कुछ समय प्रसन्न रहती है तो कुछ देर बाद उदास हो उठती है तथा फिर प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्नता की अवस्था में वह उन्मत्त हो उठती, उछलना, हंसना, सीटी बजाना, चुंबन करना, लेकिन उदास होने पर रोने लगती, क्रोध से भर उठती, सखी सहेलियों को गालियां बकती है परंतु फिर पश्चाताप करने लगती। पर्याय क्रम से प्रकट होने वाले इस प्रकार के लक्षणों की दृष्टि से यह औषधि एकोनाइट 32 एग्नीसिया 200 नक्सो मास्चेटा 30 या 200 से मिलती जुलती है, लेकिन क्रोकस सेटाइवा 30 या 200 में एक भिन्न और अद्भुत लक्षण है। उदर, आमाशय, वक्ष, जरायु में ऐसा एहसास जैसे कुछ हिल डुल रहा हो या उछल कूद रहा हो। कभी कभी तो यह हलचल इतनी अधिक होती है कि रोगिणी समझ लेती है कि वह गर्भवती हो गई। क्रोकस सेटाइवा 30 या 200 की एक खुराक खिला देने पर यह लक्षण गायब हो जाता है। तीसरे, पुरानी बीमारियों की चिकित्सा में क्रोकस का इस्तेमाल होता है जब भिन्न भिन्न प्रकार की पेशियां फड़कती। इग्नीसिया 200, जिंकम मेटेलिकम 200, पलकों की फड़कने में तो यह बहुत लाभ करती है।